नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रगति चतुर्वेदी। सपा नेता आजम खान एक बार फिर विवादों में है। भड़काऊ भाषण मामले में आजम खान को कोर्ट में पेश होना था, लेकिन वो नहीं पहुंचे, जिससे उनकी मुसीबतें फिर बढ़ सकती है। ये रिपोर्ट देखिए। आजम खान की तीन मामलों में रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई होनी थी, जिसमें से भड़काऊ भाषण मामले में आजम खान को कोर्ट में पेश होकर बयान दर्ज कराने थे, लेकिन वो अदालत में हाजिर ही नहीं हुए। बता दें कि आजम खान को इस मामले में व्यक्तिगत तौर पर पेश होकर अपना बयान दर्ज कराना था, लेकिन आजम खान के अधिवक्ता ने कोर्ट में कुछ समय के लिए मामले को टालने के लिए प्रार्थना पत्र दे दिया, जिसमें आजम खान को वायरल फीवर होने और उनके मुंबई में होने का हवाला देते हुए एक हफ्ते का समय मांगा गया। वहीं कोर्ट ने उनके प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए अगली तारीख 17 जनवरी निर्धारित की है। आजम खान पर दूसरा मामला अब्दुल्ला आजम खान के दो जन्म प्रमाण पत्र से जुड़ा हुआ है, जिस पर आजम खान के वकील द्वारा विवेचक नरेंद्र त्यागी से जिरह पूरी की जा चुकी है। अब इस मामले में बयान दर्ज कराने के लिए कोर्ट ने 20 जनवरी की तारीख तय की है। दो जन प्रमाण पत्र मामले में आजम खान, उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम आरोपी हैं। इस मामले में अब बयान दर्ज कराने के लिए 20 जनवरी को सभी आरोपियों को एमपी एमएलए कोर्ट रामपुर में पेश होकर बयान दर्ज कराने होंगे। इसके अलावा अब्दुल्ला आजम के दो पासपोर्ट मामले में भी गवाहों से गवाही होनी थी, लेकिन गवाहों के न्यायालय नहीं पहुंचने के चलते इस मामले में अब अगली सुनवाई के लिए 20 जनवरी की तारीख निर्धारित कर दी गई है। इस संबंध में अभियोजन अधिकारी का कहना है कि अब्दुल्ला आजम खान के दो जन प्रमाण पत्र से संबंधित मामले में विवेचक से जिरह पूरी हो गई है और अदालत ने इस मामले में बयान दर्ज कराने के लिए 20 जनवरी की तारीख को तय कर दिया है। वहीं भड़काऊ भाषण मामले में आजम खान को कोर्ट में पेश होना था, लेकिन उनके वकील ने स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि उन्हें वायरल फीवर हो गया है और वो मुंबई में है। इसके लिए एक हफ्ते का समय दिया गया है। अदालत ने 17 जनवरी की तारीख तय कर दी है। इसके अलावा अब्दुल्ला आजम के दो पासपोर्ट मामलों में गवाहों से गवाही के लिए भी 20 जनवरी को अगली सुनवाई होगी। अब देखना ये होगा कि अगली सुनवाई पर आजम खान पर क्या कुछ फैसला सामने आता है। तो भड़काऊ भाषण मामले में आजम खान की मुश्किलें दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। आजम को कोर्ट में पेश होना था, लेकिन पेश नहीं होने पर कोर्ट ने उन्हें कुछ दिन का समय दे दिया है। अब देखना यह होगा कि कुछ दिन बाद सुनवाई के दौरान कोर्ट का फैसला आजम खान के पक्ष में आता है या उनके विपरीत। इस खबर में बस इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।